रामांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लभराज से जा रहा है तो यहां की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लुवनात की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं कि वो अपने पति के इस बलिदान पर आंसू बहाए। क्या प्रभास का नहीं लग रहा पूजा हेगड़े के बिना दल? आखिर क्या है पूजा का बाहुबली कनेक्शन? क्या बाहुबली 3 की कहानी शुरू हो सकती है नए सिरे से? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दिस इज प्राची, योर होस्ट फॉर टुडे विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। बी टाउन की सबसे इंटरेस्टिंग जोड़ी बनी हुई है फिलहाल साउथ के सुपरस्टार प्रभास और न्यू एज ब्यूटी पूजा हेगड़े की। उनकी फिल्म आने वाली है राधे श्याम, जो अभी से ही ऑडियंस के दिलों में अपनी जगह बना रही है। प्रभास और पूजा एक दूसरे के इतने करीब आ गए हैं कि अब उन दोनों का एक दूसरे के बिना फिल्म करने में मन ही नहीं लग रहा है। बाहुबली की सेट से आ रही खबरें बताती है कि थर्ड सीक्वल के लिए प्रभास पूजा का नाम रिकमेंड कर रहे हैं। पूजा हेगड़े फिल्म इंडस्ट्री के अभी तक टॉप सितारों के साथ काम कर चुकी है। उनकी पहली हिंदी फिल्म आई थी मोहनजोदारो, जिसमें उन्होंने ऋतिक रोशन के साथ काम किया था। वहीं अभी वो प्रभास के साथ काम कर रही हैं और जल्द ही बॉलीवुड के दबंग खान के साथ भी उनकी फिल्म रिलीज होने वाली है। प्रभास बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक सभी टैलेंटेड एक्ट्रेस के साथ काम कर चुके हैं, पर उनका दिल अटक पड़ा है पूजा हेगड़े के पास। शायद पूजा हेगड़े ही वजह है कि बाहुबली के थर्ड सीक्वल को नए सिरे से शुरू किया जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी खबर आ रही है कि बाहुबली 3 की कहानी को एक फ्रेश स्टोरी में बनाया जाएगा और इसमें मेन लीड रोल में हमें प्रभास और पूजा हेगड़े नजर आ सकती हैं और जल्द ही उनकी केमिस्ट्री हमें फिर से देखने को मिलेगी। और इस बार हिस्टोरिकल वे में दोनों काफी अमेजिंग रोमांस और केमिस्ट्री दिखाते हुए नजर आएंगे। पर अभी ऐसा ये हो या ना हो, इसकी पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अगले 3 साल तक प्रभास तो बिल्कुल भी फ्री नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रभास की 4 फिल्म लाइनअप है और वहीं पूजा को भी कई फिल्मों की शूटिंग अभी करनी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब बाहुबली और बाहुबली 2 की शूटिंग हो रही थी तब प्रभास ने कोई भी फिल्म नहीं लिए थे, यानी कि 3 से 4 साल तक प्रभास के पास कोई भी काम नहीं था। वो पूरी तरीके से बाहुबली पे फोकस्ड थे और ऐसा ही शायद बाहुबली 3 के सीक्वल में भी हो सकता है। वो अपना पूरा फोकस इस फिल्म पर करेंगे और शायद वो यही पूजा से भी उम्मीद करते हैं। फिल्म की कहानी को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। जब दोनों ही एक्टर अपने शेड्यूल से फ्री हो जाएंगे तभी बाहुबली 3 की शूटिंग से रिलेटेड कोई अपडेट आएगी। तो आज की वीडियो में बाहुबली 3 से बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और भी फिल्मों के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जानने के लिए और अपने फेवरेट स्टार्स के बारे में जानने के लिए।